हे फ्रेंड्स, आज हम आलू टिक्की वाली सबवे सैंडविच बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 बड़े आलू लिए हैं, जिसको उबालकर छिलके निकालकर मैश करके रख दिए थे। अब इसी में हम डाल देंगे रेड कैप्सिकम, फिर डालेंगे पीला कैप्सिकम, ये 1/4 कप लिए हुए हैं। इसी के साथ गाजर भी 1/4 कप डाल देना है। 2 टेबलस्पून जितना कैप्सिकम लिया है, इसे भी बारीक चॉप कर लिया था। अब नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब्स लिए हैं और 1 टीस्पून जितना चिली फ्लेक्स। 1/4 कप धनिया लिया है, वो डाल देना है। अगर आपके पास मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो आप ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे। अब ये बनके रेडी हो चुका है, तो हम इसकी लंबी लंबी टिक्कीज बना लेंगे। आपको जो शेप पसंद हो आप वो दे सकते हैं। मैंने ब्रेड के हिसाब से रखा है, तो हम जब रेक्टेंगुलर टिक्की बनाते हैं तो एक ब्रेड में ये बहुत ही अच्छे से फिट हो जाती है। आप देख सकते हैं, बस इसी प्रकार हमें सारी रेडी कर लेनी है। थोड़ी सी मैंने स्क्वायर टिक्की भी बना ली है और कुछ लंबी टिक्की बना ली थी। अब पैन पर 1 टेबलस्पून जितना तेल डाल देना है। इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। फिर जो हमने टिक्कीज बना के रेडी कर ली थी वो इसके ऊपर रख के अच्छे से इसे सिक लेंगे। अगर आपको बहुत क्रिस्पी टिक्कीज पसंद हो तो आप इसे फ्राई कर लीजिएगा। अगर आप डीप फ्राई कर लेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी बनेंगी। मैंने शैलो फ्राई किया है। एक साइड से अच्छे से सिक जाने के बाद हम इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड भी अच्छे से सिकने देंगे। अब ये टिक्की हमारी बनके रेडी हो चुकी है, तो हम इसे निकाल लेते हैं। अब आते हैं हमारे ब्रेड लोफ की तरफ। मैंने यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड लिया हुआ है और ये बहुत ही फ्रेश है। इसे हम 2 हिस्सों में कट कर लेते हैं। अब दिखाए गए तरीके से इसे साइड से भी कट कर लेना है। आप इसमें कोई भी लोफ ले सकते हैं। गार्लिक लोफ भी मिलता है, वीट लोफ भी मिलते हैं। आपको जो पसंद है आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। अब इसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है, तो हम इसमें थोड़ा सा बटर लगाकर इसे सिक लेंगे ताकि ये अच्छा सा क्रिस्प हो जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं सिकना है, बस हल्का सा ही सिक लेना है। मैंने ऊपर की तरफ भी थोड़ा बटर लगाया है और दोनों साइड से हम इसे सिक लेते हैं। ये रेसिपी बहुत ही इजी है। आप टिक्कीज पहले से ही बनाकर रख सकते हैं। आप इसे किटी पार्टीज़ में या बर्थडे पार्टीज़ में ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये सभी को बहुत पसंद आती है और टमी फिलिंग भी है। दोनों साइड से अब ये अच्छे से सिक चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कप मेयोनीज और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून टमाटो सॉस डाला हुआ है। 1 टेबलस्पून मिक्स्ड हर्ब्स डाले हैं, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें चिली सॉस भी डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा सॉस बन के रेडी है। लोफ को हम रख देते हैं। फिर हम लगा लेंगे इसके ऊपर मेयो। ये मेयो सॉस बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है दोस्तों, तो इस मेथड से आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब जो लेट्यूस के लीव्स हैं उसे मैं अरेंज कर रही हूँ। बस दिखाए गए तरीके से हम इसे अरेंज कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम रख देंगे खीरा, फिर आएगा टमाटर। टमाटर के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। चाट मसाला घर पर कैसे बनाना है इसकी रेसिपी मैं पहले बता चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अब प्याज की स्लाइसेस है वो इसके ऊपर रख देनी है, फिर कुछ ब्लैक ऑलिव्स है वो रख दिए हैं। फिर से थोड़ा सा चाट मसाला मैं छिड़क रही हूँ। अब चीज़ स्लाइस है उसे हम सामने की तरफ रख देंगे। मैंने एक ही स्लाइस ली है और इसको 2 हिस्सों में करके रख दिया है।
जो आलू टिक्की हमने बना के रख दी थी वो इसके ऊपर रख देनी है और हल्के से प्रेस कर लेनी है। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर वाली टिक्की रखी हुई है, तो इस प्रकार से आप रख दीजिएगा। फिर से इसके ऊपर हम मेयो डाल देंगे, ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपको पसंद है तो आप डाल दीजिएगा, लेकिन इसे डालने से सब्वे बहुत ही यमी बनता है। दिख रहा है ना, ये बहुत ही यमी और मज़ेदार, मेरे तो मुंह में बहुत ही पानी आ रहा है दोस्तों। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा। हमारी यमी आलू टिक्की सब्वे सैंडविच बनके तैयार है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलना। मिलेंगे दोबारा नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।